हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट स्टॉक्स। सो दोस्तों, यहाँ पर 20 तारीख को मिलने वाला है 75% लाने वाले सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको पूरी प्रोसेस कि आपको लैपटॉप कैसे मिलेगा, आपको क्या प्रोसेस करना हो। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपको लेटर मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पूरे लेटर में क्या लिखा हुआ है। दिनांक 20 जुलाई 2018 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम। पूरा लेटर मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ और आपको किस तरह से ये पता लगेगा दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है तो आपको किस तरह से कहाँ पर जाकर ये राशि प्राप्त करनी है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 11 जून 2018 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल और परिषद द्वारा आयोजित वर्ष 17-18 की कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी वर्ग के विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए हेशु 25,000 की राशि दी जाना है। तो दोस्तों, इससे पहले 28 मई 2018 को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 85% अथवा उससे अधिक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों अथवा 75% अनुसूचित जनजाति जाति लोगों को यहाँ पर 25,000 रुपये ऑलरेडी मिल चुके हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की नवीन घोषणा के अनुसार पात्रता रखने वाले शेष 44,757 विद्यार्थियों को दिनांक 20 जुलाई 2018 को समस्त संभागीय मुख्यालयों पर लैपटॉप के हेतु राशि 25,000 तथा प्रमाण पत्र संभाग स्तरीय कार्यक्रम के में प्रदाय किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जबलपुर जिला मुख्यालय पर इस कार्यक्रम में भोपाल जबलपुर संभाग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं राशि प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर कैसे प्राप्त करना है मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल। तो यहाँ कार्यक्रम के नियम अनुसार इस तरह से हैं, तो सभी जिलों के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को सूचना दी जाए कि विद्यार्थी को दिनांक 20 जुलाई 2018 को प्रातः 11 बजे तक अनिवार्य कार्यक्रम स्थल पर पहुँच जाएँ। छात्रों को संभागीय मुख्यालय पर आने के लिए बस रेल द्वारा आवागमन की व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में की जाए। बसें अच्छी व्यवस्था में हो, उनके ड्राइवर कुशल हों, दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले जिलों की बसों में 2 ड्राइवर की व्यवस्था रखें। प्रत्येक 20 विद्यार्थी पर एक शिक्षक शिक्षिका का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उन्हें विद्यार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने एवं वापस ले आने, रास्ते में उनके रुकने का भोजन पेयजल का व्यवस्था की हो। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य अतिथि में जबलपुर में होने वाले कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण 1 बजे से दूरदर्शन द्वारा सभी जिलों में किया जाएगा। संभाग स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को LCD पैनल पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को दिखाया जाना है। संभागीय मुख्यालय में 20 जुलाई 2018 को होने वाले कार्यक्रम में तो विद्यार्थी की जिलेवार एवं संभागवार संख्या संलग्न है। तो दोस्तों, आप लोगों को अपने सबसे पहले स्कूल के थ्रू, अगर आपको नहीं पता है तो स्कूल के थ्रू आप जाकर पता कर सकते हैं किस तरह से आपको ये राशि प्राप्त करना है। तो 75% से ज़्यादा जो भी लोग हैं वो तो सभी को कल की डेट में 25,000 रुपये की राशि मिलना है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और किसी भी तरह का डाउट पड़ी सही सुन तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।